नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार प्रशासनिक खेमे से एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर के मुताबिक बिहार प्रशासनिक खेमे में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं, ट्रांसफर किया गया है। नीतीश सरकार ने कई अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है और जिन अधिकारियों की लिस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं उनमें कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको आप जानते होंगे, बड़े नाम हैं और कई नामों को इधर से उधर किया गया है। इसके अलावा सबसे अहम बात ये कि लगभग 10 ऐसे अनुमंडल है जहां से SDO की छुट्टी हो गई है, मतलब तबादला हुआ है। इसके अलावा कई जिलों को नए DTO भी मिले हैं, मतलब परिवहन पदाधिकारी भी कई जिलों को मिले हैं। तो ये तमाम बातें हैं और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लिस्ट देखिए और लिस्ट के माध्यम से अगर आप देखने में दिक्कत महसूस हो रही है तो हम आपको नाम के साथ बताते हैं। पहला नाम है, देखिए हम बताएंगे आपको पदाधिकारी का नाम, इसके अलावा उनका वर्तमान पदस्थापन क्या है और उसके बाद नया पदस्थापन, मतलब कि ट्रांसफर होने के बाद ये कहां जाएंगे या जा रहे हैं। इसके अलावा नाम, पहला नंबर मोहम्मद इमरान, ये पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, अब इन्हें जो है निदेशक उर्दू राजभाषा शाखा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना बनाया गया है। इसके अलावा श्री खुर्शीद अकरम, अगला नाम है, पदस्थापन की प्रतीक्षा में ये भी थे, अपर सचिव बनाए गए हैं आपदा प्रबंधन विभाग के। इसके अलावा अनिल कुमार आर्य हैं, ये भी वेटिंग लिस्ट में थे और संयुक्त सचिव पर्यटन विभाग के बनाए गए हैं। इसके अलावा अमिताभ सिन्हा का नाम है, ये भी वेटिंग लिस्ट में थे, मतलब ट्रांसफर की प्रतीक्षा में थे, संयुक्त सचिव बनाए गए हैं बिहार लोक सेवा आयोग के। संजय कुमार अगला नाम है, पदस्थापन की प्रतीक्षा में ये भी थे, अपर समाहर्ता लोक शिकायत सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नवादा के ये बनाए गए हैं। फिलहाल नीरज कुमार दास अगला नाम है, ये भी वेटिंग लिस्ट में थे, अपर जिला दंडाधिकारी के रूप में इनका पदस्थापन हुआ है विधि व्यवस्था सारण में। गिरिजेश कुमार, ये भी वेटिंग लिस्ट में थे, अपर समाहर्ता विभागीय जांच के बनाए गए हैं, बक्सर जिले में इनकी पोस्टिंग हुई है। शिशिर कुमार मिश्रा का नाम है, पदस्थापन की प्रतीक्षा में ये भी थे, अपर समाहर्ता विभागीय जांच मधेपुरा के ये बनाए गए हैं। रवि प्रसाद चौहान, ये भी वेटिंग थे, उपनिदेशक बिहार अनुसूचित जनजाति शोध संस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग पटना के बनाए गए हैं। इसके अलावा शंकर शरण जो है 10वें नंबर पर हैं, पदस्थापन की प्रतीक्षा में। ये तमाम जो नाम हम आपको बता रहे हैं ये दरअसल वेटिंग लिस्ट में थे, ट्रांसफर पोस्टिंग के इंतजार में थे और अब जो है इनका ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है। किस पद पर किया गया है, कहां पर किया गया है, ये तमाम जिक्र है हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर लगातार वो लिस्ट देख रहे हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब श्री शंकर शरण की बात करें, 10वें नंबर पर जैसा हम बोल रहे थे पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, जिला आपूर्ति पदाधिकारी बनाए गए हैं मधेपुरा के। वीरेंद्र कुमार पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, जिला पंचायत राज पदाधिकारी जमुई के ये बनाए गए हैं। अब देखिए अगला नाम है कुंदन कुमार का, अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ के ये अब तक थे, वर्तमान मतलब जहां पर ये अभी कार्यरत थे वहां अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर बाढ़ में, यानी कि पटना में ही बाढ़ में जो है ये पदस्थापित थे, लेकिन अब उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी लखीसराय के ये बना दिए गए हैं। इसके बाद सुधीर कुमार का नाम है, जो फिलहाल उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी लखीसराय के थे, अब ये जो है कहां भेजे गए हैं, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गोपालगंज, इन्हें गोपालगंज भेज दिया गया है, उनकी जगह पे उन्हें लाया गया है जिनका हमने आपको नाम बताया है। अब श्री सुधीर कुमार अगला नाम है, अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा नालंदा के ये हैं फिलहाल, लेकिन अब इनका पोस्टिंग जो है इनका ट्रांसफर किया गया है कुल सचिव ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में। अनिल कुमार सिन्हा अगला नाम है, अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी ऑन सोन के, रोहतास में ये पोस्टेड थे लेकिन अब उप सचिव कला संस्कृति और युवा विभाग बिहार पटना ये बुलाए गए हैं, इनका यहां पर पोस्टिंग हो जाएगा। अनुग्रह नारायण अगला नाम है, अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी के, मतलब शेरघाटी गया में जो पड़ता है वहां के अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर ये फिलहाल पोस्टेड थे लेकिन अब इन्हें जो है गया का अपर समाहर्ता विशेष कार्यक्रम बना दिया गया है। इसके अलावा जो नाम है मुश्तकीम, मोहम्मद मुश्तकीम का है, अनुमंडल पदाधिकारी रोसड़ा समस्तीपुर, अपर समाहर्ता बनाए गए हैं आपदा प्रबंधन विभाग सुपौल के। उपेंद्र कुमार पाल अगला नाम है, अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज रोहतास के, फिलहाल पोस्टेड थे इसी पद पर रोहतास जिले में विक्रमगंज में लेकिन अब इन्हें जिला पंचायती राज अधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी का बनाया गया है। इसके अलावा इफ्तिकार अहमद का नाम है, जो अनुमंडल पदाधिकारी फिलहाल सिकरहना पूर्वी चंपारण के हैं, अब इनकी पोस्टिंग जो है जिला पंचायत राज पदाधिकारी औरंगाबाद में कर दी गई है। रोजी कुमारी अगला नाम है, जो अनुमंडल पदाधिकारी फारविसगंज अररिया की हैं लेकिन अब इनकी पोस्टिंग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के तौर पर खगड़िया में कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर अगला नाम रविकांत सिन्हा का है, जो रक्सौल पूर्वी चंपारण के अनुमंडल पदाधिकारी फिलहाल
थे, लेकिन अब इनकी पोस्टिंग जो है सासाराम में कर दी गई है, रोहतास के जिला पंचायत राज पदाधिकारी के तौर पर। निवेदिता कुमारी का नाम है जो अनुमंडल पदाधिकारी महुआ वैशाली से हैं। अब इनकी पोस्टिंग जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के तौर पर कर दी गई है। कुमार देवेंद्र अगला नाम है, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी पूर्णिया के ये अब तक थे, लेकिन अब इनकी पोस्टिंग चुकी हो जाएगी, ट्रांसफर इनका हो गया है। तो महाप्रबंधक बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के ये बनाए गए हैं। तो मोहम्मद शफीक अगला नाम है, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गोगरी के, लेकिन अब इन्हें उप सचिव बनाया गया है। तो ये तमाम जो नाम है ये निकलकर सामने आए हैं। अब बड़े पैमाने पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है। कई एसडीओ के नाम हमने आपको बताए हैं, कई डीटीओ जो हैं कई जिलों में नए मिले हैं। तो ये तमाम लिस्ट जो है जारी की गई है और कहा जा रहा है कि बड़े फेरबदल किए गए हैं बिहार प्रशासनिक खेमे में। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।